उसका नाम है बोलो। हजारी लाल क्या ब्रह्मा की हजार मुजाओं में एक कहा जाता है। बाबा 36-37 में 35-52 नहीं आया है तो ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किसने दिया? हेलो आया बच्चा आधे घर में और किसी को पता ही नहीं चले, न माँ को पता चले न बाप को पता चले, तो कहा जाएगा ये आया। जब तक प्रत्यक्ष तारूपी जन्म न हो, बच्चा कुछ परिवार में जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, गर्भ में रहता है वो गुप्त है, लेकिन गर्भ से बाहर भी आ गया आपको उनको पता ही नहीं, पता चला क्यों उनको? अरे कोई को पता चला? दादा देख रहा है ब्रह्मा को पता चला नहीं, ये बस नाम की अलग है, विश्व पिता है, पता चला नहीं? 47 में ब्रह्मा नाम उजागर भी हुआ तो अपन को ब्रह्मा समझ लिए, ब्रह्मा तो सत्य बनता है, सत्य ही साकार में गीता का भगवान बनता है, जो उड़ीसा के अर्बुद्धि में बैठ गया तो बाप काम सत्य हुआ। ठीक बाबा, हाँ 76 के 35-52 की प्रत्यक्षता हुई तो अब तक कितने लोगों को 35-52 बना चुके? अकेली का नाम जमाया जाता है क्या? पावन का अर्थ तुम क्या समझते हो? 5 विकारों पर जीत, पहले बुद्धि में जीत होगी या पहले कर्मेंद्रियों में जीत होगी? पहले शुरुआत सूक्ष्म से होगी या स्थूल से होगी? सूक्ष्म सूक्ष्म से होगी, तो पहले बुद्धि तो पवित्र बने, कहाँ तक पवित्र बने बुद्धि? ये भी पता है, ये भी पता है, बाप जानता है, बाप जानता है, हमें जानने की जरूरत नहीं, हमें इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? जानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है? है नहीं है। से पवित्र बनने का मतलब है एक बाप दूसरा न, दूसरा न कोई, कोई दूसरा बुद्धि में बैठे नहीं, हम सारे एकलव्य की औलाद है, ऐसी स्थिति बन जाएगी तब कहेंगे बुद्धि पवित्र हुई। अभी कोई भी देहधारियों के प्रति, देह के पदार्थों के प्रति, देह के संबंधियों के प्रति, अपनी देह के प्रति कोई भी कार्य की आती है झुकाव होता है उसको कहेंगे मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र हुई है? पति के पावन का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? मकान बनाया जाता है, नक्शा बन जाने के बाद मकान बनाना आसान होता है, जल्दी बन जाता है, जब पहले नक्शा
बुद्धि में खींचा जाता है, बुद्धि में खींचा, बार बार नक्शा बनाया जाता है, बार बार मालिक को दिखाया जाता है, बार बार उसे चेंज किया जाता है, कागज से तैयार होता, फिर प्रैक्टिकल बनता है। तो अभी प्रैक्टिकल पार्टी आ गई नहीं आई, कभी तो पागल बैठे लग जाएंगे। अरे प्रैक्टिकल पार्टी आएगी तभी पति से पागल बनना शुरू होंगे, या मेरे बाप से पति से पागल बन जाएंगे। प्रैक्टिकल में वो साथी भी चाहिए, जिसे कहते हैं पति से पागल, उनका सीता है। मारे खेल में कहा है ना, पति से पावन एक बाप के सिवाय कोई भी नहीं बना सकता। ये कौन कह रहा है नहीं बना सकता? मेरा अभी अभी बोल रहा ना बाबा, बुद्धि को पति से, बुद्धि माने आत्मा, बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा को कौन पावन बनाता है? विजय माना क्या है बाप, बुद्धि रूपी आत्मा की तो बाप ही बुद्धि में नहीं आती। नहीं अभी कहा है ना प्रैक्टिकल पार्टी आए बगैर कैसे पावन बन सकते? प्रैक्टिकल आए बगैर, प्रैक्टिकल में कोई पावन नहीं बन सकता, ये बुजुर्गी पेट की बात है, जो अंदर घुसकर के कोई नहीं देख सकता कि कौन कितना पवित्र बने। अगर देख सके तो प्रजापिता की तरह घड़ी घड़ी उंगली उठेगी नहीं उठेगी, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनेंगे नहीं। बुद्धि ने एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं रहना चाहिए। मैं कभी कभी कहता है ना विजय माला को आह्वान करो, विजय माला को आह्वान करो बोलते हैं ना, फिर एक बाप दूसरा ना कोई, यही हमेशा बुद्धि में होना चाहिए। करो करो करो, करना चाहिए करना चाहिए, उससे थोड़ी हो जाए। हाँ लगन ऐसी लगी हुई हो कि जो बाप ने बोला तक्षण उसी समय से दूसरा कोई संकल्प न उठे। हमारा पहला काम है जो बाप ने हमको डायरेक्शन दिया वो कार्य करके दिखाए। बाबा आह्वान करे बगैर नहीं आ सकती है क्या? उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? विजय माला के हेड को आह्वान करे बगैर नहीं आ सकती है क्या? उनका जिम्मेदारी नहीं है क्या? भगवान आह्वान करे बगैर आ जाता है क्या? भगवान को भी श्रेकर जन्म आवाहन किया या नहीं किया? किया है। श्रेकर जन्म आवाहन न किया होता तो आता, मगर इनको भगवान नहीं, भगवती तो नहीं ना, भगवती तो है नहीं, अभी तक तो बनी नहीं ना, नहीं तो नहीं है, अभी तक तो नहीं बनी। भगवान के साथ क्या है, भगवान आदमी क्या बनाते हैं? भगवान भगवती, भगवान भगवती बनाते हैं। मगर जब तक बाप को पहचाना ही नहीं, भगवती कैसे माना जाएगा? कौन कहता है बाप को पहचान लिया? माना उनने तो अभी तक बिंदी रूप में ही देखा ना शिव को, ठीक है। हाँ फिर आकार क्या नहीं साकार में प्रैक्टिकल देखेगी तो प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगी, जब तक नहीं देखेगी तब तक प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ एक विजय माला और एक रुद्र माला, माना कौन? एक टीवी ने कहा रुद्र माला का मतलब है जो रौद्र रूप धारण करते हैं, विकारी दुनिया, विकारी मनुष्यों, विकारी संसार, पाप आत्माओं के प्रति रौद्र रूप धारण करो, विकार रूप धारण कर देते हैं। विजय माला धारण करती है? नहीं, और विष्णु चतुर्भुज का थोड़ा सा विष्णु चतुर्भुज थोड़ा सा क्या बताना, क्या कथा करें पूछो तो बताए। बाबा विराट रूप के बारे में बताए, विराट रूप, विराट रूप, विराट रूप क्या है? वही तो विराट रूप तुम बच्चों से बनवाता हूँ ऐसे कहा है।
और विराट रूप में त्रिमूर्ति त्रिमूर्तियों को नहीं दिखाया गया, ऐसा भी कहा। न त्रिमूर्ति दिखाया गया है, न ब्राह्मण भक्ति मार्ग में दिखाए गए हैं, बाबा ने किसी से बताया है उसने ब्राह्मण को दिखाया, तो थी समान ब्राह्मण। तुम बच्चों से बनवाता हूँ ऐसा कहा गया है, बनवाया गया ना, उसका चित्र है कागज पर ही बना लेंगे कि प्रैक्टिकल में भी बना लेंगे, प्रैक्टिकल में बना, प्रैक्टिकल में बना, मैंने वो कब तक एक्स होगा, हाँ जो बना गया तो बनाया गया एडवांस में कब बना, एडवांस में कब बना होती जाएगी तो एडवांस में बनाएंगे, एडवांस में संपन्न बनने वाले बच्चे पहले पहले कितने बाबा, पहले नंबर के बच्चे हैं बनाएंगे बाबा, उसमें त्रिमूर्ति है नहीं, त्रिमूर्ति को दिखाया नहीं मर, वो तो एक मूर्ति तो है ना विष्णु, उसमें एक मूर्ति जो दिखाई गई है वो भी ब्रह्मा रूप में असली मूर्ति है, मूर्ति साकार होती है या आकारी हो निराकारी होती है, साकारी तो है, मूर्ति जो दिखाई गई है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो भी चित्र बने हैं साक्षात्कार से, उसमें ब्रह्मा की मूर्ति ओरिजिनल है नहीं। बाबा एक भाई का प्रश्न है, एक धर्म एक राज्य एक भाषा, ये परमात्मा बाप आने के बाद भी क्यों नहीं बन सकता, ये अनेक धर्म क्यों है, ऐसा एक भाई का प्रश्न है। परमात्मा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आने के बाद भी, सोल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया दोनों ही आ गए, प्रत्यक्ष होने वालों के सामने प्रत्यक्ष हुए, संत बुद्धियों के सामने अभी भी संत आया था, तो आगे आगे बराबर हुआ, आ गए थे या ना आ गए थे, आ गए थे ना, आ गए कि नहीं, अगर आ गए तो सदाकाल के लिए आ गए, ये बीच में बच्चे हैं इनके बुद्धि होते रहे थे, धर्म ने किस लिए बैठा है इंसान को, वो तो ठीक है डंडे खाए, डंडे करके एक धर्म और एक राज्य स्थापन कर सकता है ना, तो क्या जरूरी है क्या भी करते तुम्हारे के लिए, मतलब अंत की बात बोल रहा हूँ, क्या नहीं बाबा अंत की बात बोल रहा हूँ मैं, अंत में सभी को ऐसे ऐसे लोगों को दंड देकर एक धर्म एक राज्य एक भाषा बना सकता है, तो पहले कोई संगठन तैयार करेगा या किसी वजह से अपने आप शुरू कर देगा, जो भी कार्य होता है संघ युग में वो प्रैक्टिकल होता है या जादूगरी की तरह होता है, ये लोग लड्डू खा लो, बाबा अनंतपुर में एक माता ने पूछा था श्री कृष्ण देवराय का पाठ किन का है, तो बाबा ने कहा है श्री कृष्ण देवराय ने क्या किया, मंदिर आदि बहुत बनाए ना, मंदिर आदि बहुत बनाए ना, मंदिर आदि बहुत बनाए, मंदिर 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 भगवान की मंदिर, मंदिर आदि बहुत बनाए ना, तो फिर यहाँ भी बाबा कहीं भी जाता है गीता पाठशाला और मिनी मदन कौन देता है, कौन देता है, हाँ बोलने वाले कहते हैं कि बोल लो, हाँ नहीं हाँ कहते हैं, तो तभी ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला या बोलने वालों ने खोला, बोलने वालों ने खोला, ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ एक ही खोला, उसका नाम भक्ति मार्ग में क्या पड़ा, सोमनाथ मंदिर, भक्ति मार्ग वाला भक्ति मार्ग का काम करेगा, ज्ञान मार्ग वाला चैतन्य मंदिर बनाएगा, फिर अंतर मंदिर बनाएगा, पहले क्या बनाएगा, लक्ष्य क्या होगा, चैतन्य मंदिर बना के दिखाओ, परमिशन तो देता है ना गीता पाठ अगर लगा, तो कोई शादी करने के लिए परमिशन मांगता है, दोस्तों भी कहते हैं अच्छा बच्चे शादी करके दिखाओ, बच्चे पवित्र है, शादी बर्बादी कह दिया ना, फिर पूछेंगे कैसे हो, शादी बर्बादी कह दिया, शादी बर्बादी उस बच्चे को कह दिया, हाँ पीछे पड़ता है उसको मालूम नहीं है कि शादी बर्बादी है,
इसका मतलब उसकी दिल है या नहीं है? होगा तभी तो पूछा है, तब तो पूछ चुका है। तो फिर श्री कृष्ण देवराय का पाठ किन का है? रायल बंदर की दुनिया में कौन दिखाता है सबसे जाति? ब्रह्मा बाबू। इतना कितना रायल बन के नहीं दिखा रहे? ने भी जो रायल भी सीखी है वो कितने सीखी और कब सीखी? संगम में। इंसान में अंतर क्या है? मनुष्य और इंसान में अंतर क्या है? इंसान माना इंसान और इंसान का अंतर है जो आदमी किसी की चाल में रहे वो इंसान, वही मनुष्य मनुष्य की औकात। जो मनन चिंतन मंथन में न रहे, देह देह के पदार्थों देह के संबंधियों के चिंतन में रहे तो जानवर ही हो जाए, तो सच्चा मनुष्य नहीं कहेंगे, चाहे इंसान को हो और चाहे मनुष्य को हो, सब से अलग अलग है। आप हाँ जी, जब राधा कृष्ण का जन्म होगा 2033 तक पुरानी दुनिया में ये 2036 की बात है, ये 2018 की बात है, या ब्रह्म कुमारी की पहले की बात है, या मुर्गी की बात है? बता दे तो तुम्हारा काम क्या है? ये जो कोई जो कुछ सुनाते हैं हम उसको जो करते मान ले, मानते नहीं। तुमने सुनाई बातों के बात वासियों ने दुर्गा की? आप उसे कल्पन करिए पहले, फिर उसकी बात कीजिए। और बाबा एक भाई का प्रश्न है, भगवान माना क्या? भगवान माने दुनिया का सबसे भाग्यशाली पुरुष हो वो भगवान। उससे भाग्यशाली दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और घर में कन्या पैदा होती है तो भारत में क्या समझते हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मी आ गई माना भाग्य आ गया। कन्या पैदा होती है तो पैदा होने के साथ ही साथ अपना भाग्य लेकर के आती है। कन्या को जन्म देने वाले जो असली भारतीय है वो ये नहीं समझते क्या है हमारी घर का तात्यानाश हो गया, क्या समझेंगे? कन्या आई है तो बाकी लेकर के आई, क्योंकि कन्या पवित्र होती है। क्या सबसे बड़ी की बड़ी प्रापाइटी कौन सी है? चलेगी वो बड़ी से बड़ी प्रापाइटी दुनिया की 30% प्रॉपर्टी बनती है। दुनिया के सारे काम किसके होते हैं? पवित्र काम कैसे किसके होते हैं? जैसे कहते हैं धनवान मान माने वाला, तो धनवान माने क्या हुआ? धन वाला, धनवान माने धन वाला जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो, ऐसे ही है भगवान। प्योरिटी की पावर आ रही है, वो प्योरिटी की पावर सबसे जाती जो भगवान का पाठ होता है उसके कन्मुख जाकर के समर्पित होती है।
और मांगने से नहीं, कहने से नहीं, स्वतः अपनी चेष्टा से समर्पित होती है। इसलिए उसको कहा जाता है भगवान। और बाबा, चंद्रमा की रहबरी में कीड़े मकोड़े पलते हैं और सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े भस्म हो जाते हैं, मगर यहाँ भी कीड़े मकोड़े पल रहे हैं ना बाबा, तो फिर ये क्यों भस्म नहीं होते? क्या सूर्य की असली रोशनी अभी तक नहीं निकली है, या ब्रह्मा बाबा की कलेशा होने के कारण पूरी नहीं निकल पा रही है, या माँ की तरह प्यार का पार चल रहा है? ऐसा तो नहीं पूछने वाले पूरी दुनिया में जो भी संकल्प होते हैं ना, उनके लिए भी ये कहावत है। अभी दो महीने के बाद एक बजे बता दी, ऐसे क्यों पूछते? क्योंकि सिख धर्म की आत्माएं तब निकलती है जब ज्ञान सूर्य जो चैतन्य में पांच बजाने वाला है वो एकदम चल के ऊपर पांच बजाता है, सीखा सीखा तब उनकी अंक। नहीं नहीं बाबा, विशाखापट्टनम से, विशाखापट्टनम में बाबा माताओं से बोल रहे थे, बाबा पहले आंध्रा में जन्म लिया होगा मगर तेलुगु वाला नाम बनाया होगा, मगर आंध्रा वालों का भाषा तो तेलुगु है, आंध्रा में जन्म लिया और तेलुगु भाषा नहीं हो सकता कैसे? आंध्रा में जन्म ले उनकी तेलुगु भाषा ही होनी चाहिए, मदर टंग चाहिए। 83 जन्म तेलुगु में नहीं हुए, आंध्रा में नहीं हुए, तो एक जन्म कोई ना कोई हिसाब किताब बन गया और आंध्रा में जन्म हो गया, उस आत्मा को क्या कहेंगे? वो आत्मा कहाँ की है? आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की नहीं होती, सारी विश्व की होती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सही होता है, जो देवानी होते हैं वो उत्तर भारत दक्षिण भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत करते हैं, जो आत्मा बीमारी होते हैं वो लचड़े में पड़ते ही नहीं, आत्मा जानती है उनकी कि आत्मा कहीं भी जन्म ले सकती है। आप हो सकता है वहां तक जन्म, और हो सकता है प्रेत जन्म भी, दूसरे दूसरे प्रेतों में जन्म लिया हो, क्योंकि ज्ञान लेने के समय कहां पहुंचे? नहीं, आंध्रा से नजदीक किसी हिंदी भाषा वाली प्रदेश में पहुंच गए, ऐसे हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है, हो सकते हैं। बाबा छोटी माँ अब इस्लाम धर्म के अंडर में ही चल रहे हैं ना, इसका मतलब ज्यादा जन्म कहाँ लिया हो? माँ होती है तो माँ की आप बड़े बच्चे में ज्यादा रहती है या और बच्चों में जाती रहती है? बड़े बच्चे जाती रहती है, ये बड़ा होगा बड़ा हो जाएगा, हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारी पालना करेगी, कोई बड़ी बात नहीं। और बाबा अभी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को चुना गया और बेहद में यहाँ कौन आ गया? सुनने से थोड़ा ही काम चलता है, सुन लिया ना राष्ट्रपति पद, सुनने से क्या होता है? सुनी सुनाई बातों से नहीं, सुनना नहीं, सुन लिया, सुन लिया बात नहीं। हाँ हो गई थी प्रतिभा पाटिल, हो गई थी राष्ट्रपति, काम ने जल्दी छोड़ दी? अरे अभी तक जारी है, जारी है अभी नहीं छोड़ी। और प्रतिभा पाटिल जो है अगर गति ले भी लेती है
तो किसी दूसरे प्रदेश की है या राजाओं के प्रदेश की है? कहाँ की है? राजस्थान की है। देश में राजस्थान कौन होता है? राजाओं का स्थान कौन सा है? राजाओं का स्थान और अपने लौकिक जीवन में वो भी सपोर्ट करती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ऐसे नारी वालों को। तो यहाँ भी अगर कोई प्रेसिडेंट बने तो क्या वो सपोर्ट नहीं कर सकती? साक्षात्कार हुआ तो मैं कुछ में गई क्या? कौन से बंद की है जयरम्बा? कौन सी बंसी की है? अरे कौन सी बंसी की मुखी है? पहले माना है कौन सी बंसी की मुखी है? एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की मारा बारह ने मा 108 की मारा आपसे कट्ठे हो जाएगी। है पहले पहले या कोई और मंच में जो बाहर है अपन नंबर के मन के उसमें है या जो चतुर्वंशी के अपन नंबर के मन के है उनमें है? चलो तो अगर वो सूर्यवंशी के ग्रुप में आ जाए तो अर्थदेवों की लिस्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। आगे नहीं आती। और बाबा ब्रह्म बाबा की तामसी पार्ट धर्मराज है और जगदम्बा का तामसी पार्ट महाकाल है। आकार में होता है मतलब सूक्ष्म आकार आकार में होता है। सूक्ष्म शरीर तो है ना और पाठ साकार सबकी तो बजाया जाता है। हाँ पहले धर्म जगदम्बा के द्वारा जो है वो फरिश्तों को मानते हैं और भारतवासी साकार देवी देवताओं को मना साकार को आप बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? एक कौन है साकार? अभी क्या बोला मैं जगदम्बा के द्वारा इस धर्मराज पाठ भी बजाया जाए तो ब्रह्मा का नाम ना लो ना। हाँ, तो फिर उनका आखिरी जन्म में जगदम्बा का कौन सा होगा? कलयुग के अंत में? कलयुग के अंत में यहाँ शूटिंग पीरियड के अंत में उन्हें धर्मराज का पार्ट बजाएंगे ना? कौन? धर्मराज जगदम्बा महाकाली बनकर। तो फिर कलयुग के अंत में उनका कौन सा पार्ट होगा? ऐसा कोई पार्ट नहीं होते मतलब कौन सा है? झांसी की रानी बनकर लड़ाई लड़ी है तो अगर पार्ट होगा तो उनका खंडन करेगी कि नहीं करेगी? हाँ ऐसा आते ही जन्म में होना चाहिए ना वो कोई ऐसा है क्या? अगर बताएगी तो वो खंडन करेगी कि नहीं होगा या नहीं करेगी? जब तक किया है तो उसका कोई निशानी भी होगा ना? किया है तो स्त्री में ऐसा कोई कौन सा पार्ट है स्त्री में? ये पार्ट कोई नारी का दिखाया दिखाई नहीं पड़ा जिसने मिलानियों का इतना मुकाबला किया हो कि मरते दम तक भी हार हार नहीं मानी। नहीं तो माताओं को सबसे ज्यादा मोह किसका आता है? किसका मोह आता है? बच्चों का। उसने अपने बच्चे के लिए भी मोह आया कि नहीं आया? नहीं, नहीं आया। माना वो जानती की रानी कौन अपने बच्चे के लिए भी मोह नहीं आया?
मगर वो तो 1857 है बाबा, वो तो 1815 सेंचुरी में हुआ। 1857 सेंचुरी। तो फिर कलयुग के अंत माना 19th सेंचुरी में होना चाहिए। 36-37 में परमात्मा सृष्टि पर आए तो, या 1857 की बात है। हाँ, झांसी की रानी थी। हाँ, तो फिर टैली कैसे हो रहा? नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं टैली हो रहा? इतना ये 100 साल का डिफरेंस नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? कैसे आ सकता? क्यों नहीं आएगा बताओ ना, जवाब भी तो दो। वही मैं पूछ रहा हूँ बाबा। क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई ऐसी बात ही नहीं? कोई भूख है कभी? भारत भारत वासियों के हिसाब से विदेश है, जो भी परंपराएं है वो विदेशियों से मिलती जुलती है। सवाल यह है कि जो असली कन्याकुमारी होगी वो अभी विदेश में होगी या स्वदेश में होगी? कहाँ होगी? माने नाक में लकीर डालने वाला कोई हीरा ही होगा। उस ब्रह्मा कुमार कुमारी उसकी नाक में लकीर नहीं डाल सकता। और एक का नाम शास्त्रों ने सुरुचि दे दिया है अपनी रुचि पूर्वक करने वाली, एक का नाम शास्त्रों ने सुनीति दे दिया है सुंदर नीति नियम वाली। उत्तानपाद की पत्नी है, राजा उत्तानपाद का राज्य काम पे लेकर बैठा। उत्तानपाद पाद माने बुद्धि पावन, उत्त माने ऊपर, काम माने काम दिया, बुद्धि पावन का कहां चल गया? ऊंची थी जो उनका नाम शास्त्र में क्या रख दिया? राजा उत्तान पाद। उनकी दो पत्नियां है या कि नहीं? व्यक्ति करूँ अभी या बनने वाली है या नहीं है? या बुद्धि का फाउंडेशन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? दूसरे रूप में भी ये कथा आई है, बच्चे परिचित की पत्नियां काशी माने याद का तेल, पमाने पीने वाला, जो याद का तेल पीने वाला कक्ष परिचय है वो दो पत्नियां थी। और कौन थी? इति और अदिति। इति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवताएं पैदा हुई। किनको कहा जाता है? जो दीदी से पैदा तो होते ही है साथ साथ जिससे पैदा होते हैं उसी के ऊपर हमला करते हैं, जैसे भगवत आक्रामक बन जाते हैं। और
बाबा वो किसी की औलाद दैत्य दैत्यों ने सागर मंथन में किसका मुंह पकड़ा? सांप का मुंह पकड़ा। ऐसी बात मुझसे क्यों निकाली? एक मुरली में ऐसे कहा गया, उस मुरली में ऐसे कहा गया, तो ये बात कैसे हो गई? बात बात में मुंह पकड़ना। उन्होंने मुंह की बातों को नहीं पकड़ा। कहते ना शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए? भाव को पकड़ना, भाव को पकड़ना चाहिए। तो उन्होंने भाव को पकड़ा। भगवान जैसे चलाना चाहता है वैसे फॉलो किया, लेकिन अपनी विद्वता नहीं दिखाई। बाबा राम को बाली के सामने जाने से आधा बल कम हो जाता है, इसीलिए उनके ऊपर धोखे से वार किया जाता है। बेहद बेहद से वो बाली कौन है? मैंने विश्व कल्याण का प्रेस किया है, वो बाली बेहद में कौन है? दो भाई थे बाली और सुग्रीव। एक तो सुग्रीव बाबा ना, माने गर्दन गला, ऐसी गर्दन थी सुंदर गर्दन वाला, मीठी आवाज निकलती थी। ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे सुरीली आवाज कौन सी गर्दन की निकली? ब्रह्मा की। क्या बाजी ने क्या किया? बाली ने सुग्रीव के साथ क्या व्यवहार किया? उनका पत्नी को, उनके पत्नी बीवी बाल बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया और उसे देश में हार दिया। अभी ब्राह्मणों में भी दो प्रकार की दुनिया है। एक है कांटों का जंगल बन रहा है और एक दुनिया फूलों का बगीचा बन रहा है। कांटों के जंगल में रहो या सूक्ष्म शरीर धारण करके पार्क बजाने वाली बात कहो, वो भटकने वाली बात है। उन्होंने शास्त्र में दिखाई दिया बाली और बाली के सामने जाकर के जो लड़ेगा आधा बल कर आधी ताकत सामने आते ही खराब हो जाए। ये राम ने क्या किया? सात तारों की पोत ले ली, सात तार के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा उसके लिए बताया कि वो बाली को मार सके। सबको पता है ब्राह्मणों की दुनिया में शत्रुघ्न नारायण का पद पाने वाले तार की तरह ऊंचा ऊंचा पाठ बजाने वाले ब्राह्मण कौन है? सात नारायण। सात नारायण को वोट ले ली और गीता का भगवान सिद्ध करो। कर सकते हैं? गीता का भगवान सिद्ध करेंगे या कतराए जाएंगे? ब्रह्मा बाबा को गीता का भगवान साबित करेंगे? नहीं 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 कर सकते। एक ही बाण से सात तार के वृक्षों को धराशायी कर दिया।
और बाबा ये तो आधार मुठों की दुनिया की बात हुई, बीज रूपी दुनिया की बात क्या है? दुनिया में भी है। कौन है वो? अंतर है कि नहीं है? और माना वो प्रैक्टिकल में कोई बाली है क्या? बीज रूपी दुनिया हमारे तो वो पर्याप्त है। सच्ची बात है या उपन्यास है? उपन्यास है। उपन्यास है इसमें सब अगरम पगरम गुजर रहा हूँ। कोई सच्ची हिस्ट्री नहीं है। सच्ची बात उतनी है जितनी बाप बताते हैं सासू। बाप सासों का सास सुनाते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में भूलता भरा हुआ है। और बाबा कृष्ण के मुकुट में मयूर मोर का पंख दिखाते हैं और राम के मुकुट में नहीं दिखाते हैं, मगर वास्तव में राम ने भी पवित्रता धारण किया ना। इसे कृष्ण का गायन शास्त्रों में है और संगम में कृष्ण का है के साथ कंस दिखाया गया। वो कौन सी कृष्ण की बात है? वो संगम की कृष्ण कब की बात है? अभी वर्तमान समय के पास की बात है या पास के समय की बात है? कोई वर्ष से पहले वर्तमान मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति तो की, इतनी भक्ति करने के बावजूद भी मिला गया। क्या मिला? कृष्ण का दीदार मिला भक्ति मार्ग कर साक्षात्कार तो ये, लेकिन स्वर्ग ने नहीं जा सकी। मीरा कहते हैं सागर और वीर साहब कहते हैं शाहजादे। देखो भक्ति में है उसको ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। और विस्तृत कर भी जिंदगी इसे अधिकारों का विष दिया पवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता की होती है स्थापन। एक है महाकाली का पाठ और एक है महागौरी का पाठ। ज्ञान का लक्ष्य कौन पाता है? ज्ञान का लक्ष्य है नारी से क्या बनना? इन दोनों में ज्ञान का लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? लक्ष्मी लक्ष्य प्राप्त करती है और महाकाली लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती। हर जगदम्बा का टाइटल मिलता है। और राम और सीता को पुष्पक विमान में जाते हुए दिखाते हैं, ये वास्तव में ये कब की बात है? पर यहाँ तो अयोध्या की गद्दी पर बैठने से पहले पुष्पक विमान में अयोध्या में जाते हुए दिखाया। हाँ लेकिन अयोध्या की गद्दी स्थापन नहीं हुई थी उस समय की बात है। और यहाँ बेहद में कैसे पैराडाइज की दुनिया स्थापन होगी उसमें अष्टदेव पहले जाएंगे या दूसरे धर्म के लोग पहले जाएंगे? एक कह रहा राधा, एक कह रहा सीता। राधा एक ही होती है, ये कहीं मुरली में नहीं कहा तुम सब राधाएं हो? क्या कहा? सीता
गीताएं भी दो प्रकार की दिखाई गई है। एक है ओरिजिनल गीता और एक है बनाई गई गीता। आर्टिफिशियल रावण किसको ले गया? ओरिजिनल को ले पाता है या आर्टिफिशियल को ले जाता है? आर्टिफिशियल। जड़तत्व से बनी हुई सीता को ले जाता है या चैतन्य तत्व से बनी हुई सीता को ले जाता है? जड़ समय सीता को ले जाता है, कहते हैं प्रकृति। रावण के जो सर दिखाए जाते हैं उसमें पांच से प्रकृति के दिखाई दे, उनका नाम दिया है मंदोदरी। कैसे? उधर वाली उसका बुजुर्ग की पेट ऐसा है, मंद है। वो मंद बुद्धि होने के कारण जो बुद्धि को बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, छिटक जाते, जिंदगी का रास्ता ही बदल देते। ऐसियों का नाम पड़ता है मंदोदरी। सहयोगी बने जाकर रावण की सहयोगी। बाबा पिछली बार एक भाई का प्रश्न था, राजा महाराजा भी प्रजा से राय लेते थे। उसका जवाब बाबा ने दिया, जो अधिकारी राजा होते हैं वो प्रजा से राय लेते हैं। मगर राम ने भी प्रजा की बातें सुनकर ही सीता माँ को घर से निकाल जंगलों में भेज दिया ना, तो फिर राम को क्या करेंगे? और नेताजी की बात है या जन्म की बात है? ये कहाँ की बात है? बोलो जल्दी से। संगम की आई तो क्या है? और तो क्या है संगम में? राम सीता की बात है। उन्होंने खत्म कुएं से संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, प्रत्यक्ष होने से पहले की स्टेज। अगर त्रेता में किया होता? ऐसा होता है क्या? और धरती फटी होती तो, अगर आकाश में आग लग गई होती तो सागर में डूबा रहे हैं ना, वैसा ही बीजरूपी दुनिया में भी डूबेंगे। ऐसा जो आधार मुक्तों के दुनिया में जो भी हुआ वही बीजरूपी दुनिया में भी होगा। तो फिर बाबा ने कहा
तो फिर बाबा वो लोग तो ज्ञान सागर बाप के एड़ी से लेकर चोटी तक डूबे हुए हैं, और कौन सा सागर बचा है उन लोगों को डूबने के लिए? और कौन सा सागर बचा है? ज्ञान सागर कौन डूबे हुए? नहीं, वो देवियों को मूर्तियों को डूबते हुए दिखाए गए ना देवी के चित्र में। वो गंगा सागर है, विजय सागर है, उसमें डूबी जाती है या ज्ञान सागर में डूबी जाती है? पर बीज रूपी दुनिया वाले तो ज्ञान सागर में एड़ी से लेकर चोटी तक डूबे हुए हैं। डूबे हुए हैं? अभी तो बताया आज अंधेरे में हम कब इस बोले समझते नहीं, हमारे तो ज्ञान ही आता है, हमारे ज्ञान का मुकाबला कौन कर सकता है? चला रहे मैंने अहंकार को भी अपवित्रता कहेंगे ना, अहंकार को भी अपवित्रता कहेंगे क्या? अहंकार अपवित्रता नहीं है? तो फिर बाबा कहते हैं कन्या पवित्र रहती है, बाबा कहते हैं कन्या पवित्र रहती है, जरूरी है कि वो माता नहीं बनती है? बनती है, कोई कन्या माता बनती है, कोई कन्या माता नहीं बनती, कन्या कुमारी बनती है, कन्या कुमारी का भी गायन है और आदर कुमारी का भी गायन, आदर कुमारी का भी गायन है, और कोई नंबर ले लेगा आदर कुमारी में क्या? कोई और नंबर लेगा क्या? आदर कुमारी हो गए कबर से आगे कुछ साथ करने वाला कोई माता होगी या नहीं होगी? माताओं के कबर से आगे वाली माता होगी कि पीछे होगी, बीच में होगी? आगे होगी, आगे होगी। ब्राह्मण को देवता बनने में परिस्ता आदि चाहिए, ब्राह्मण को देवता बनने में हाँ परिस्ता आदि चाहिए, परिस्ता बने सारी दुनिया को परम धाम जाने से पहले सूक्ष्म बदन में ठहरना पड़ेगा। इतनी 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, सारी दुनिया का विनाश हुआ, सबका विनाश होने के बाद सब इकट्ठे परम धाम जानेंगे या कोई पहले कौन जावेंगे? तो जो मर के जा रहे हैं उनको ठहरने की कहीं जगह मिलेगी ही नहीं, दुनिया में एक सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले हैं, साकार शरीर से स्थापन होने वाली साकार नई दुनिया को नहीं देख पाते नाम होते उनका वस्त्र होगी और सरकार तो वो अपनी आदमियत नहीं छोड़ेंगे, इसलिए विदेशियों में अरिष्टों की बहुत मान्यता है, दुष्प्रेतों की बहुत मान्यता है, देवताओं की मान्यता नहीं है। बोलो मंगलवार का टाइम है, पानी को छोड़ देता है और दूध दूध को ले लेता है, दूध को मथा जाता है तो अमृत निकलता है या पानी को मथा जाता है तो अमृत निकलता है? दूध को मथा जाता है तो अमृत निकलता है, और पानी का मंथन करते हैं तो अमृत मगर कुछ नहीं निकलता। तो जितने भी देवी देवताएं हैं या जितने भी धर्म पिताएं हैं, धर्मात्माएं हैं, वो सब पानी निकालते हैं, क्या वो क्षीर सागर में नहीं है? वो विजय सागर की रहने वाले उनकी बुद्धि में से पानी पानी निकलता है, चाहे गंगा ही क्यों, गंगा भी दूध की गंगा होती है या पानी की गंगा होती है? जितना भी मुख से बोलेगी वो सुना सुनाया बोलेगी
ये आपने अंदर से नया निकाल के बोले, सुनी सुनाई बातें बोले, जो भगवान ने बोली है भले कोई बात है, अपने अंदर से ज्ञान की कोई नए पॉइंट, चाहे गंगा हो, चाहे गंगम्मा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे महाकाली हो, ये अपने अंदर से क्रिएट करके कोई नए मक्खन की कार की बात नहीं सुनाई जाती। बाबा विश्व का मालिक बना और स्वराज अधिकारी बनने में क्या अंतर है? आत्मा माने रूह, का मालिक बन गया वो पांच इंद्रियों के ऊपर जीत पाएगा या नहीं पाएगा? उसमें जो मुख्य इंद्रिय है जिसको जीतना बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत करके समझा, काम इंद्रिय उसके ऊपर जीत पाएगा या नहीं पाएगा? काम इंद्रिय काम जीते जगत जीत पा जाएगा या नहीं पा जाएगा? के ऊपर जीत पाना माना सारे विश्व के ऊपर विश्व माना शरीर को कहा जा रहा है ना, पहले तो अपना शरीर ही विश्व है। ब्राह्मणों के लिए किसके ऊपर जीत पाने के लिए बोला? स्वाके अपने इंद्रियों का राजा बनो, इंद्रिय जीत बनो, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। बाबा यहाँ इंद्रदेव कौन है? हमेशा उनका चीज का चिंता लगा रहता है। जब तक इंद्रदेव को चिंता लगा रहता है इसका विश्वामित्र तक वो बड़े से बड़ा राजा नारायण घोषित नहीं हो सकता, दुनिया उसको नारायण नहीं मानेगी। जब दुनिया को तो नारायण के रूप में घोषित हो जाएगा, विश्वजीत के रूप में घोषित हो जाएगा, उस समय की यादगार शास्त्रों में है कि नारायण की कोई ग्लानी नहीं है और सात तैतीस करोड़ देवता की ग्लानी है। तो इंद्र सर्वकवि की बात है, बाबा तुम एक जन्म पवित्र रहो मेरे मत पर चलो तो जन्म जन्म अंतर राजा महाराजाओं के घर में जन्म लोगे और राजा महाराजा बनोगे। मारे विश्व का मालिक संगी लक्ष्मी नारायण वो अगले जन्म में मारे सतयुग में प्रजा में कैसे आ सकता? सतयुग में वो प्रजा में कैसे आ सकता? क्या प्रजा में क्या प्रजा? वो विश्व का मालिक अगले जन्म में प्रजा करने कैसे आ सकता है? बाबा तो दावा कर रहे हैं तुम जन्म जन्मांतर राजा महाराजा बनो। हाँ ऐसा राजा था प्रजा, हाँ जैसे राजा की स्थिति होती है वैसे ही जो परिवार के और ब्राह्मण लोग हैं देवता लोग हैं उनकी वो स्थिति नहीं होगी। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा को राजा ऐसे समझेगा जैसे अपने परिवार का कोई बच्चा हो, बच्चा भी कहेगा मैं विश्व का मालिक हूँ, उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मैं नहीं हूँ मेरा बाप है विश्व का मालिक। मल्टीमिलियनर का बच्चा होता है उससे पूछा जाए तुम कितने कारखानों के मालिक हो, तो मल्टी मिलियनर ही बताएगा या कम बताएगा? क्या बताएगा? मल्टी मिलियनर ये तो सिर्फ कहने की बात है, प्रैक्टिकल में नहीं होता है। लेकिन वहां तो प्रैक्टिकल में होता है, वहां प्रैक्टिकल में होता है। जो भी प्रजा है वो राजा के बच्चों की तरह हो, आज के राजाओं की तरह नहीं कि अपना और अपने देह के संबंधियों का पेट भरते रहे और प्रजाकारी चली जाए भागे।
मगर राजा तो अपने औलाद को ही राजकुमार बनाएगा, प्रजा को तो नहीं बनाएगा। प्रजापत के लोग होंगे वो इसी में खुश होंगे क्या? उनके अंदर यही संस्कार होंगे कि बाप का जो बड़ा बच्चा है वही मालिक बने। उनके अंदर दूसरा कर्तव्य पैदा ही नहीं होगा, जो बाप का कर्तव्य वही बच्चा, तो बच्चे का कर्तव्य। मैं राजा के घर में जन्म नहीं सकता है ना, प्रजा में क्यों आना चाहिए? तो बाप कोई किसी के ऊपर शासन करता है क्या? असल में कोई किसी के ऊपर शासन होता है क्या? बाप कोई अनुशासनहीन होता है? असल में कोई आत्मा अनुशासनहीन होगी? कोई नहीं होगी, किसके ऊपर शासन करेगा? तो रूहानी राज्य है, भावना करते हैं ना कहते हैं ना आत्मा इन आंखों की रोशनी से देखती है, देखती इन आंखों से नहीं देखती। हाँ मुरली में ऐसा ग्रह है, ऐसा आत्मा इन आंखों की रोशनी से देखती है, देखती है इन आंखों की जो विनाशी आंखें है, लेकिन ऐसी भी चेंज आ गई विनाशी आंखों में तो हमें नहीं देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं जाएगी इन आंखों से जो देखते हैं वो सब क्या समझेंगे? इसका भस्म भस्म हुआ पड़ा। प्रदर्शन करने के लिए पहला यू की नियत क्यों खराब होती है? पहला यू की नियत खराब होती है मुझे नहीं क्या दंडोपन करने में, दंडोपन करने में पहला यू की नियत खराब होती है यू की। ज्यादा ज्ञान किस में होता है, ईद में होता है या एडम में होता है? एडम में होता है। ज्यादा ज्ञान होता है तो पहले कराओ ज्ञान में ज्यादा रहता है उसकी बुद्धि खराब होगी। एक मुरली में कहा गया जिनमें पवित्रता है उनकी ज्ञान की क्या जरूरत है, बोला इसका मतलब है जिनमें पवित्रता है उनको ज्ञान की क्या जरूरत है, ऐसा बोला। हाँ तो फिर अभी बाप को कैसे पहचानेंगे? बाप को पहचानने की जरूरत है या नहीं है? ज्ञान मिले क्या? जानता है जानकारी किसकी जानकारी? बाप की जान। बाप माने सत्य, दुनिया में 100% सच्चा कौन है? ये बुद्धि में पता तो चले, कैसे पता चले? ज्ञान के नेत्र से ही पता चले, ज्ञान कुर्सी में बैठ जाता है। एक कृत्रिम सूर है जो सदाशिव है, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है, सब सारी दुनिया उसे एक को याद करती है और सारी दुनिया की गति संगति होती है। सर्वव्यापी हो जाए तो गति संगति कैसे होगी? ये राज कुर्सी में बैठना पहले जरूरी है। बाबा लक्ष्मी को बुद्धि नहीं था, एकांत
तभी तो असुर को भी अमृत बांट दिया ऐसा कहा गया एक मुझे। माना वो असुर कौन है? वो अभी है अभी सांस नहीं ले ये नहीं आई इतने ना साहब अब जब लक्ष्मी आई इतने अभी सांस नहीं ली कि नहीं बात तो नहीं है अब जो ये बात नहीं है सूरज चंद्र भी कर रहे हैं इसको इसको इशारा कर रहे हैं लक्ष्मी को वो इशारे की आवाज उसके कान में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है उस इशारे को लक्ष्मी का पास जारी आत्मा रिसीव कर रही है कि नहीं कर रही है कर रही शंकर को कमर पर गोदाम में गए की खांसी के रूप में और अहंकार के रूप में शब्द के ऊपर काम दिखाई जाती दिखाई दिया गया है पांच परम वाले को भागवत ने दिखाया है जिसने उनके ऊपर जांच की है पांच विकार जो है वो शंकर के आगे पीछे बैठे रहते हैं उसको कोई अटल शंकर का रंग नहीं लगता और आत्माओं को सड़कों का असर लगेगा कि नहीं लगेगा क्या डरते डर जाते आप किसी का जो भिकारी मनुष्य है उनको सांप कहा जाता है उन लोगों का कोई ऐसा हिसाब किताब है वो विकारी सर्पों के रूप में स्वप्न में देखने में आते हैं स्वप्न साक्षात्कार और संकल्पों का संबंध है जो ऐसे स्वप्न अगर आते भी है निगेटिव तो उनको उड़ा देना चाहिए संकल्प भी कोई निगेटिव आए तो क्या करना चाहिए उड़ा देना चाहिए अगर साक्षात्कार भी हो तो भी स्वीकार नहीं कर सकते हम तो बुद्धि से साक्षात्कार करने वाले बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे और बाबा मुरली में कहते हैं ना तुम बच्चों को सुनाता हो तुम ही जानते हो माना वो तुम कौन है सुनते हैं मना वो आती है क्या आती है क्या आस्था देवी है अभी जो अभी चल रही है उसमें वो आती दिखाई पड़ते हैं जो भी महावाक्य है वर्तमानी के वो किसके ऊपर लागू होते वो पूरे पूरे महावाक्य किसके ऊपर लागू होते आपके ऊपर लागू होते बाकी उससे पहले मर एक आठ भी कर प्रत्यक्ष होना शुरू भी नहीं हुआ था ये वो बात नहीं मारा एक तो आठ भी माला है ना बाबा हाँ जी तो फिर उनको नहीं कहना चाहिए क्या तुम बच्चे उनको नहीं कहना चाहिए क्या वो बच्चे नंबर वार होंगे या एक बराबर होंगे नंबर वार तो होंगे
उसी नंबर से आ जाएगा तुम पर जी। मौला बनाई जाती है, तुम्हारा एक अच्छी बनाई जाती है या ढेरी अलग अलग रखी जाती है? क्या करते हैं मारा की ढेरिया बना करके अलग अलग तैयार करते हैं उससे, फिर एक एक ढेरी में से धरा भर शुरू की जाती है। नौ ढेरियों में से माला बनाने का काम पूरा हो जाता है। बोला एक भी पाल को संगठन तैयार होने तक एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाती। तुम बच्चे जो बोला है वो नंबरदार के लिए बोला है, एक रेखा सबको लिए बोला नंबर बोला। पर आवेशवाणी में कहा गया सन 98 में ही 16108 की माला चुनाव हो चुका है, फिर अभी माला बनने में देरी क्यों कर रहा है? माला कटक तो नहीं हो गई? नहीं हुई, मगर जिनको निकालना था वो निकल चुके, अब कोई नए नहीं निकलने। क्या चाहे इस जन्म में निकल चुके और चाहे इस जन्म में भले अभी भी आ रहे 2007 में आ रहे, लेकिन पूर्व जन्म में आए होंगे कि नहीं? जन्म में आए होंगे, रोल बोला जाती है।